कुशवाहा जी, मनोज कुशवाहा जी का भी बहुत बड़ा रोल है इस कार्यक्रम। छत्तीसपुर की धरती माननीय नेताजी को कलम भी देती है और तलवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। एक खबर जगदीशपुर से निकल कर आ रहा है कि रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ यात्रा के दौरान पहुंचे जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह किला परिसर में पहुंचे वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा को किया नमन। शहीद बाबा के मजार पर भी की चादर पोशी। जगदीशपुर विरासत बचाओ यात्रा के दौरान रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वीर कुंवर सिंह की नगरी जगदीशपुर में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने वीर कुंवर सिंह किला परिसर में बने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर मन अर्पण कर नमन किया एवं शहीद बाबा के मजार पर चादरपोशी भी की। इस दौरान स्वार्थ साहू उच्च विद्यालय कीड़ा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम जहां भी जाते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग हमारे पार्टी में सम्मिलित होते हैं। मैं नीतीश कुमार से बार बार कहा, नीतीश कुमार जी मान जाए पार्टी बर्बाद हो रही है, पार्टी को बर्बाद होने से बचाई है, लेकिन मैं नहीं माने। वे कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है जाए, लेकिन मैंने ठान लिया जब विरोध ही करना है तो खुलकर किया जाए। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा, पर मैंने ऐसा ही किया। अगर मैं उनके साथ होता तो लालटेन जिंदाबाद, अगर नीतीश जी करते तो मुझे भी करना पड़ता, लेकिन अब नीतीश जी की नया डूबने वाली है और लालटेन चकनाचूर होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि जनता दल यूनाइटेड को जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि जनाजात दल कहना उचित होगा। वहीं इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा को उनकी चित्र चादर व तलवार भेंट की गई, साथ ही साथ कई लोगों ने उन्हें बुके देकर सम्मानित भी किया। वहीं इस मौके पर बड़ा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस विरासत बचाओ यात्रा के दौरान जदयू पार्टी छोड़कर अनेक लोग शामिल हुए। इस दौरान लालू जबकि सैकड़ों कार्यकर्ता युवा नेता गण के अलावा रोहित कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, मुमताज अंसारी, जागा कुशवाहा सहित सैकड़ों गणमान्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वह इस मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस बल भी मुस्तैद थी। अंगद चौधरी जी, गुरु शरण चौधरी जी, जिला महासचिव भोजपुर, मैं तो नेता के साथ ही शुरू से भीमराम पंचायत अध्यक्ष चकवा, छोटू कुशवाहा पंचायत अध्यक्ष बसौना, भीमराम जी आप आइए, अनिल कुशवाहा जी वार्ड पंचायत अध्यक्ष उत्तरवारी जंगल महल, रामजी कुशवाहा वार्ड सदस्य पंचायत उत्तरवारी जंगल महल, अमित कुमार पंच पंचायत उत्तरवारी जंगल महल। जो कुछ भी हमने किया था बहुत सोच समझ कर किया था। जिस वक्त हमने ऐसा डिसीजन लिया था, हमने उस समय की परिस्थिति का आकलन किया था। 2020 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उस परिणाम के साफ दिखा कि जनता दल यूनाइटेड का जो जनाधार था उसमें बड़ा हिस्सा उस जनाधार का हम सब लोगों ने अपने पास कर लिया। वोट का डिवीजन जिस रूप में हुआ, उस डिवीजन का परिणाम हुआ कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो गया और कभी 115-18 जीते थे नीतीश कुमार जी 40-43 पर आ गए। तो जब इतना कमजोर नीतीश कुमार जी हो गए, तब अचानक से नीतीश कुमार जी के मन में कुछ बात आई, उन्होंने मुझसे बात की और मुझको भी लगा कि निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में हम और नीतीश जी अलग अलग चलते रह जाएंगे। तो फिर से कहीं 2005 के पहले वाला जो जिनके हाथ में सत्ता थी, फिर से उनको न कहीं मौका मिल जाए और वैसे लोग फिर से अपना लालटेन का शीशा थोड़ा पूछ उछ करके फिर से ठीक ठाक करने लगे, लगा कि फिर से लालटेन लोग जला देंगे। हमको लगा कि हम गड़बड़ हो जाएगा, यह गड़बड़ हो जाएगा, नीतीश कुमार जी और हम अलग रहेंगे तो लालटेन वाले फिर से लालटेन जला देंगे। तब हमने तय किया कि नहीं, राजनीति में कुछ आलोचना लोग करेंगे तो उस आलोचना को हम झेल लेंगे, लेकिन लालटेन वाला को फिर से लालटेन नहीं जलाने देंगे। और इसलिए हम नीतीश कुमार जी के साथ उनके नेतृत्व में आकर खड़ा हो गए। सब था कि हम आए हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए और नीतीश जी स्वयं लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगे। तो नीतीश जी वहां जब लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगे तो मेरे सामने दो स्थिति हो गई, या तो हम जिस तरह से बाहर आए हैं बाहर आ जाते विरोध करते हुए,
या फिर वहां आराम से रहते। आराम से रहने में हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो थे ही सदन के अंदर, हम थे सदन में जाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और हम तो आराम से थे। ठंडा घर में मुझको जगह मिली हुई थी, हम चाहते तो आराम से वहां रह सकते थे। सर सिर्फ इतनी थी ना, हम वहां रहते मुझको कहा कठिनाई थी। हाँ, एक शर्त मुझको माननी पड़ती, सिर्फ एक ही शर्त थी कि नीतीश जी कहते लालटेन छाप जिंदाबाद, तो पीछे पीछे हमको भी करना पड़ता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको लगा कि अब नीतीश जी लालटेन छाप जिंदाबाद करना हो तो करे, हम तो अब इस काम के लिए उनके पीछे नहीं रहेंगे, हम तो इससे बिहार को बचाने का काम करेंगे। मेरा प्रश्न इतना चलेगा, लालटेन छाप जिंदाबाद नीतीश जी करे या कोई करे, हमारा और हमारे साथियों का बस जितना चलेगा, लालटेन के शीशा को चकना चूर करेंगे, जिंदाबाद करने का काम की सवाल होता है। क्योंकि इन लोगों ने बिहार को तंग तबाह परेशान किस रूप में किया है, अगर फिर से ये लोग आ जाएंगे तो फिर बिहार उसी स्थिति में लौट जाएगा, पुराने दिनों में बिहार लौट जाएगा। और हम जहां तक समझते हैं भाई और बहनों, ये बिहार का कोई भी आदमी नहीं चाहेगा बिहार फिर से पीछे जाए। हर कोई व्यक्ति बिहार का चाहेगा कि बिहार पीछे नहीं जाए बल्कि बिहार आगे बढ़े। नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार पीछे जाए। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।